नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार के आंकड़े के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1150 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में एक्टिव केस की संख्या 11,365 है, जो कुल संक्रमण की 3% है। देश में कोरोना से अब तक 5,21,656 लोगों की जान चली गई है। देश में कोरोना से कुल रिकवरी की संख्या 4,25,01,196 है। गुजरात में एक व्यक्ति के कोरोना वायरस के नए वेरिएंट एक्सई से संक्रमित होने की खबर सामने आई है। एनडीटीवी के मुताबिक राज्य में कोरोना वायरस के वेरिएंट एक्सई के साथ वेरिएंट एक्सएम से भी संक्रमित होने की बात सामने आई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय से अभी इस पर कोई बयान नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक हफ्ते के शुरुआत में एक विदेश से यात्रा करने वाले यात्री को कोरोना वेरिएंट का एक्सई से संक्रमित पाया गया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने उस बात को खारिज कर दिया था। देश के सबसे बड़े बैंकों में गिने जाने वाला भारतीय स्टेट बैंक ने अब एटीएम से कैश निकासी को लेकर एक बड़ा नियम बनाया है। इस नियम का पालन अगर खाता धारक नहीं करेंगे तो कैश निकालने में दिक्कत होगी। अगर आप एसबीआई के एटीएम से 10 रुपए से ऊपर की निकासी करते हैं तो ओटीपी देना जरूरी होगा। इन नियमों का आप पालन नहीं करेंगे तो आपकी रकम बीच में ही फंस जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी कार्यालय का ट्विटर अकाउंट शुक्रवार देर रात हैक होने के बाद शनिवार सुबह इसे रीस्टोर कर लिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्विटर अकाउंट शुक्रवार को हैक कर लिया गया था। अज्ञात हैकर्स ने शुक्रवार रात यूपीसीएमओ ट्विटर हैंडल पर लिखा, ट्विटर पर अपने बीएवाईसी एमएवाईसी एनिमेटेड को कैसे शुरू करें का एक ट्वीट किया। इसके अलावा यूपीसीएमओ अकाउंट पर एक कार्टूनिस्ट की तस्वीर को प्रोफाइल पिक्चर भी बना दिया गया। गृह मंत्रालय ने आतंकी हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को यूएपीए के अधिनियम 1967 के तहत उग्रवादी घोषित कर दिया है। अधिसूचना में बताया गया है कि वो लश्कर ए तैयबा संगठन का एक वरिष्ठ नेता और लेट्स के मौलवी विंग का प्रमुख है। वो भारत में लश्कर ए तैयबा और अफगानिस्तान में भारतीय हितों की भर्ती, फंड इकट्ठा करने, योजना बनाने और उसे अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ के विदेश अनुदान हासिल करने से जुड़ा एफसीआरए में साल 2020 में किए संशोधन को सही ठहराया है। संशोधन के जरिए विदेशी चंदे को खर्च करने के तरीके पर नए नियम बनाए गए हैं। इसके साथ ही अनिवार्य किया गया है कि विदेशों से चंदा लेने वाली संस्थाएं स्टेट बैंक की नई दिल्ली शाखा में ही अपना प्राइमरी एफसीआरए अकाउंट खोलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि किसी व्यक्ति या संस्था को विदेशी चंदा लेने का अधिकार कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। इसकी इजाजत देना या नहीं देना सरकार का नीतिगत मसला है। सरकार नियम बनाकर इसे रेगुलेट कर सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम को पत्र लिखकर पिछले सप्ताह कोविड 19 मामलों में वृद्धि पर सख्त निगरानी बनाए रखने को कहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि अगर आवश्यक हो तो पूर्व जरूरी कार्रवाई भी कर सकते हैं। वहीं देश में 1109 और लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,30,33,067 पर पहुंच गई है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या कम होकर 11,492 रह गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को सरकारी कार्यक्रम के तहत फोर्टिफाइड चावल को 3 चरणों में वितरित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति का निर्णय पोषण स्तर में सुधार और महिलाओं और युवा आबादी के कल्याण को आगे बढ़ाने के प्रयासों के अनुरूप लिया गया है। पोषण युक्त चावल के वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस और अन्य योजनाओं के तहत 3 चरणों में लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी योजनाओं के तहत चावल के वितरण को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिमों ने देश विरोधी नारे लगाए, साथ ही वहां तैनात जवानों पर पथराव भी किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद जामिया में शुक्रवार 8 अप्रैल 2022 की नमाज के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने आजादी और भारत विरोधी नारे लगाए। भारत और रूस के बीच दोस्ती कितनी गहरी है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब भी मुश्किल में भारत रहा है तो उनके सामने रूस सीना तान कर खड़ा रहा है। भारत के लिए रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे सुपर पावर देश से लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। अब जब इस दोस्ती पर भारत को अमल होने की बारी आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी दोस्ती को बखूबी से निभाते हुए रूस का साथ दिया है, जिसे देखकर रूस काफी खुश है। बिहार में अजान पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के दो घटक दल आमने सामने हो गए हैं। बुधवार को खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा था कि सुबह अजान के लिए बजने वाले लाउडस्पीकर पर रोक लगनी चाहिए, इसकी बाधाएं उत्पन्न होती है। भाजपा के मंत्री के बयान पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने गुरुवार को पलटवार करते हुए कहा है कि कुछ लोग असदुद्दीन ओवैसी बनना चाह रहे हैं। भारत अमेरिका के बीच 11 अप्रैल से शुरू होने जा रही 2+2 वार्ता से पहले व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का मानना है कि भारत अमेरिका के रिश्ते दुनिया में सबसे अहम है और उम्मीद है कि होने वाली वार्ता हमारे रिश्तों को और बेहतर बनाएगी।
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार से जानना चाहा कि साल 2016 में डोभा और सरकारी तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए 336 करोड़ रुपए दिए गए थे, वो राशि कहां खर्च की गई है, कितने डोभा और तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया। हाईकोर्ट ने डोभा घोटाले में दायर पीआईएल पर सुनवाई करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण की खंडपीठ ने कहा कि साल 2016 में डोभा निर्माण में गड़बड़ी को लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जो 4 साल बाद भी अब तक अनुसंधान क्यों नहीं पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन पट्टा मामले में झारखंड हाईकोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा ने इस सिलसिले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीएम को नोटिस जारी किया है, साथ ही जवाब पेश करने को कहा है। रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला किया है तभी से पश्चिमी देश बौखलाए हुए हैं, खासकर अमेरिका और नाटो तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यह जंग रुक जाए, लेकिन रूस मानने वाला नहीं है। अमेरिका ने तो यह तक कह दिया है कि अगर किसी भी देश ने रूस का साथ दिया तो वो उसे खत्म कर देगा। अमेरिका के इस धमकी के चलते कई देशों ने रूस से नाता तोड़ दिया है, लेकिन कई देश ऐसे हैं जो रूस संग अपनी यारी निभा रहे हैं, भारत भी उन्हीं में से एक है। झारखंड श्रम नियोजन शिक्षण और कौशल विकास विभाग और एचसीएल के बीच हुए एमओयू का नतीजा महज 4 महीने के अंदर दिखने लगा है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग ने बताया कि झारखंड सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है। इसी को लेकर राज्य सरकार और एचसीएल के बीच हुए समझौते के अनुसार प्रथम चरण में 220 युवा सरकार के रोजगार संबंधित कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। प्रथम चरण में चयनित हुए सभी छात्र आईटी सेक्टर से अपना भविष्य बना रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव चारा घोटाले में सजा सुनाए जाने के बाद 2013 में संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य हो गए हैं। इसके बाद वो संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं है। बावजूद इसके चाहे बिहार विधानमंडल को कोई सत्र हो या फिर संसद का, लालू के जिक्र के बगैर ही शायद ही पूरा होता है। बिहार विधानमंडल के हालिया बजट सत्र के दौरान तो लालू यादव का कई बार जिक्र भी हुआ है। निदेशक विवेक अग्निहोत्री द्वारा बनाई गई फिल्म द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले दिन से ही इसे दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला। कश्मीरी पंडितों की कहानी दिखाती है कि फिल्म धीरे धीरे लोगों की भावनाओं से जुड़ती चली गई, जिसके बाद इसे लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। कम बजट की होने के बावजूद भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की है। फिल्म ने तेजी के साथ 100 के बाद 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन अब दर्शक में इसको लेकर क्रेज कम होता दिख रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नेता मरियम नवाज शरीफ ने भारत की तारीफ करने को लेकर पीएम इमरान खान पर निशाना साधा है। मरियम ने कहा है कि सत्ता जाते देख पागल हो रहे इस व्यक्ति को बताना चाहिए कि उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पार्टी ने ही बाहर का रास्ता दिखाया है। अगर आप भारत को इतना पसंद करते हैं तो पाकिस्तान की जिंदगी छोड़कर वहां शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते। एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक पर आरबीआई की गाज गिरी है। रिजर्व बैंक ने इन दोनों बैंकों पर 1,83,00,000 का जुर्माना ठोका है। आरबीआई ने निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक से 93,00,000 और आईडीबीआई बैंक से 90,00,000 का जुर्माना वसूला है। आरबीआई के मुताबिक एक्सिस बैंक ने लोन से जुड़े कुछ प्रावधान, केवाईसी गाइडलाइंस और बचत खातों में न्यूनतम राशि नहीं रखा। वहीं आईडीबीआई बैंक ने कमर्शियल बैंकों और चुनिंदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा धोखाधड़ी से जुड़े निर्देशों का अनुपालन नहीं किया। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में खूब कमाया है। फाइनेंशियल ईयर में सरकार की कमाई में 34% का उछाल देखा गया है। 2021-22 में सरकार को टैक्स के जरिए 27.07 लाख करोड़ की इनकम हुई है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 20.27 लाख करोड़ था। राजस्व सचिव तरुण बुजाज ने यह जानकारी दी। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 22.17 लाख करोड़ टैक्स कलेक्शन का अनुमान था, लेकिन सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 27.07 लाख करोड़ की कमाई की। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के पदों पर भर्तियां निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थी 18 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के कुल 25 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 मार्च 2022 से जारी है। रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किए गए अब 44 दिन हो चुके हैं। इस बीच यूक्रेन में रूसी सेना की तरफ से जबरदस्त तबाही मचाने का दौर जारी है। एक दिन पहले ही यूक्रेन के एक रेलवे स्टेशन से मिसाइल गिरने से कम 52 लोगों की जान चली गई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए थे। मृतकों में ज्यादातर देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे और महिलाएं थी। सामने आया है कि जिस रॉकेट से यह हमला हुआ है उसमें एक साइड पर रूस में लिखा था ये बच्चों के लिए है। एमएलसी चुनाव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहली बार बयान सामने आया। उन्होंने चुनाव परिणाम पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि इस चुनाव का रिजल्ट पर हमें भी आश्चर्य हो रहा है। नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारे उम्मीदवार जो जीत के लिए सुनिश्चित थे वो हार गए हैं, जिससे हमें आश्चर्य हो रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि इस चुनाव में कैसे कार्य होता है ये सबको पता है।
केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में केजीएफ चैप्टर 2 की आंधी आने वाली है। ट्रेड जानकार के मुताबिक केजीएफ चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिहाज से ओपनिंग दिन पर ही बंपर कमाई का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। केजीएफ चैप्टर 2 इस बार कहानी के साथ मल्टी स्टारर फिल्म के तौर पर भी पर्दे पर दिखाई देगी। भारतीय डाक विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। डाक विभाग ने मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, टायरमैन, लोहार के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सरकार ने इस साल के रक्षा बजट के कैपिटल आउटले यानी कि पूंजीगत व्यय का 25% स्वदेशी प्राइवेट उद्योग के लिए सुरक्षित रखने का फैसला लिया है। यानी इस साल के बजट में 21,149 करोड़ का बजट सिर्फ स्वदेशी प्राइवेट कंपनियों द्वारा तैयार किए गए हथियार और अन्य साजो सामान पर खर्च किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्वदेशी कंपनियों के लिए आरक्षित बजट में से 1500 करोड़ स्वदेशी स्टार्टअप से हथियार या फिर तकनीक खरीदने के लिए रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 30 मार्च को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर अब उनका महंगाई भत्ता 34% हो गया है। इसके साथ ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 का एरियर भी देने का ऐलान किया है। अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनी वॉलमार्ट अपने ट्रक ड्राइवर्स को $95,000 यानी $72,00,000 सालाना वेतन देने का निर्णय ले चुकी है। कंपनी अपने ट्रक ड्राइवर को $6,00,000 महीने की सैलरी दे रही है। इसके बावजूद भी कंपनी को आसानी से ट्रक ड्राइवर नहीं मिल पा रहे हैं। वॉलमार्ट ने लंबी दूरी के ट्रक ड्राइवर के लिए वेतन बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले में गैर सरकारी संगठन, संघ, कंपनी और व्यक्तियों द्वारा विदेशी धन की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने और धन के उपयोग का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन की एक श्रृंखला को बरकरार रखा है। कुछ कुछ गैर सरकारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा FRCA एक्ट में किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सोनाली सिंह, कुश कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, वैद्यनाथ ठाकुर, राहुल चौहान, जितेंद्र ऑफिशियल, ललन कुमार, सुधीर कुमार, दिनेश कुमार, नुन्नू कुमार, कमल देव पांडे, सुभाष ठाकुर। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के वर्तमान माहौल के बीच क्या आपके आसपास कोरोना अनुकूल नियमों का पालन हो रहा है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।